जय हिंद दोस्तों, आज हम 5 मई 2021 का करंट अफेयर पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, हाल ही में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में पहली बार अनुच्छेद 311 का उपयोग किया गया है? दोस्तों, ये जो अनुच्छेद 311 है, इसका पहली बार उपयोग हुआ है, ये हुआ है दोस्तों जम्मू कश्मीर के अंदर। जम्मू कश्मीर ये जो केंद्र शासित प्रदेश 31 अक्टूबर 2019 को बना था, ये सबको पता होना चाहिए। कब बना था? 31 अक्टूबर 2019 को एक राज्य को डिवाइड करके लद्दाख और जम्मू कश्मीर, ये दोनों अलग केंद्र शासित प्रदेश बने हैं। कब बने ये? 31 अक्टूबर 2019 को बने हैं। तो जब जम्मू एंड कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश बना, तब जम्मू कश्मीर का उपराज्यपाल कौन था? तो जम्मू कश्मीर का पहला उपराज्यपाल था जी सी मुर्मू। कौन थे दोस्तों? जी सी मुर्मू ये जम्मू कश्मीर के पहले उपराज्यपाल, केंद्र शासित प्रदेश बना तब की बात कर रहा हूँ। और अभी जो है वो है मनोज सिन्हा। अभी कौन है? मनोज सिन्हा है जम्मू कश्मीर के राज्यपाल। अनुच्छेद 311 में क्या दिया है दोस्तों? इसके तहत किसी भी सरकारी कर्मचारी को अपने पद से हटाना, किसी भी सरकारी कर्मचारी को अपने पद से हटाना, यही दिया है दोस्तों। किसके अंदर दिया है? अनुच्छेद 311 के अंदर। तो इसी अनुच्छेद का उपयोग करके उपराज्यपाल ने जो कुपवाड़ा जिले में सरकारी टीचर है उसको राष्ट्र विरोधी गतिविधि करने के लिए उसको उस पद से हटाया गया है। कौन से जिले में? कुपवाड़ा जिले में। कुपवाड़ा जिले के जो सरकारी शिक्षक थे, सरकारी टीचर थे, उनको राष्ट्र विरोधी गतिविधियों के लिए उस पद से हटाया गया है। केसर की खेती सबसे ज्यादा कहाँ पर की जाती है? तो दोस्तों ये आपको पता होना चाहिए, केसर की खेती जो है सबसे ज्यादा की जाती है दोस्तों जम्मू एंड कश्मीर के अंदर। केसर की खेती सबसे ज़्यादा की जाती है। इसको जो है GI टैग भी मिला हुआ है इसको, जम्मू कश्मीर की केसर को। आगे चलते हैं, जम्मू कश्मीर से रिलेटेड और बहुत इम्पोर्टेंट है उलर लेक। उलर लेक जो है, उलर लेक बहुत सारे एग्जाम्स के अंदर आता है दोस्तों। उलर लेक जो है जम्मू कश्मीर में ही है। ये एशिया की सबसे बड़ी फ्रेश वाटर लेक है, इसको मत भूलना। उलर लेक बहुत सारे एग्जाम्स के अंदर उलर लेक आता है, तो उलर लेक नहीं भूलना है। उलर लेक कौन से राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में है? तो वो है जम्मू कश्मीर के अंदर उलर लेक स्थित है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में तमिलनाडु में जाइलोफिश द्वीप के नाम से किसकी एक नई प्रजाति खोजी गई है? तो दोस्तों ये जाइलोफिश द्वीप की नाम से सांप की प्रजाति खोजी गई है। सांप की प्रजाति खोजी गई दोस्तों, ये जो है तमिलनाडु के अंदर है। तमिलनाडु के सीएम का नाम है इडापड्डी के पलानी स्वामी। इडापड्डी के पलानी स्वामी, इडापड्डी के पलानी स्वामी, के पलानी स्वामी। और अभी अभी तमिलनाडु के अंदर चुनाव हुए थे, और टोटल उस चुनाव में DMK जो है दोस्तों, DMK द्रविड़ मुन्नेत्र कळघम, इनकी इसके अध्यक्ष है एम के स्टालिन, जो करुणानिधि के चाचा
बेटे हैं, इनको 133 सीट मिली है। और ए आई डिम के जो जयललिता की पार्टी थी इनको 66 सीट मिले हैं। बाकी इंडियन नेशनल कांग्रेस इनको 18 सीट मिली है और बीजेपी को 4 सीट मिले हैं, PNIK को 5 सीट मिली है, ये आपको पता होना चाहिए। तो तमिलनाडु की टोटल विधानसभा की सीट कितनी है दोस्तों, 234 टोटल तमिलनाडु की विधानसभा की सीट है। यहाँ के गवर्नर दोस्तों भंवरीलाल पुरोहित, यहाँ के गवर्नर कौन है, भंवरीलाल पुरोहित जो है यहाँ के गवर्नर है, भंवरीलाल पुरोहित यहाँ के गवर्नर है। आगे चलते हैं, इसी खोज से रिलेटेड एक दो क्वेश्चन मैंने आपको पहले ही बताया था, वो और बताता हूँ। सिस्टूरा हिरण्याकेशी किसकी प्रजाति है, आपको मैंने पहले पढ़ाया था क्लास के अंदर, सिस्टूरा हिरण्याकेशी, दोबारा मैं इसको रिवाइज कर देता हूँ, सिस्टूरा हिरण्याकेशी किसकी प्रजाति है दोस्तों, ये महाराष्ट्र के अंदर एक मछली, महाराष्ट्र में नई प्रजाति की मछली पाई गई, उसका नाम है सिस्टूरा हिरण्याकेशी। नेक्स्ट है, और एक था MACS, मैंने आपको पहले ही बताया था MACS, MACS जो है, MACS ये है सोयाबीन की नई किस्म, सोयाबीन की MACS 1407, ये सोयाबीन की नई किस्म है, इसमें कीड़े नहीं लगते और जो पहले हम सोयाबीन बोते थे उससे ज़्यादा इसमें फसल आएगी। नेक्स्ट, भारत की सबसे बड़ी तितली कौन सी है, तो दोस्तों भारत की सबसे बड़ी तितली है गोल्डन बर्ड विंग, भारत की सबसे बड़ी तितली है दोस्तों कौन सी है तितली, गोल्डन गोल्डन बर्ड विंग, गोल्डन बर्ड विंग जो है भारत की सबसे बड़ी तितली है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 हो गया, क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं दोस्तों। आज का जो करंट अफेयर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको लास्ट तक देखना, लास्ट के जो क्वेश्चन है बहुत ही आपको फायदेमंद है, सभी क्वेश्चन फायदेमंद है लेकिन लास्ट लास्ट में कुछ चीज़ें मैं ऐसे ही बताने जा रहा हूँ, इसलिए इस वीडियो को आप लास्ट तक पक्का देखना। 3 मई 2021 को जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल का निधन हो गया, 3 मई 2021 को जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल, ये जो है दोस्तों ये है जगमोहन मल्होत्रा, ये जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल थे, इनका अभी निधन हो गया है दोस्तों। ये जम्मू कश्मीर के ही नहीं, ये दिल्ली के भी उप पूर्व राज्यपाल रह चुके, दिल्ली के भी पूर्व राज्यपाल ही रह चुके हैं, इसलिए इम्पोर्टेंट है। और इनको पद्म विभूषण भी पुरस्कार मिला हुआ है, पद्म विभूषण पुरस्कार भी दोस्तों इनको मिला हुआ है। और ये केंद्र में पर्यटन मंत्री भी रह चुके हैं, इसलिए इसलिए पेपर में आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है दोस्तों, इसी ऐसे ही क्वेश्चन पेपर के अंदर आते हैं, ऐसा नहीं कि पूरा करंट अफेयर आपने पूरा पढ़ लिया, यही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं जो पेपर के अंदर आते हैं, इसलिए ध्यान रखो, जो जो मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूँ उसका पक्का ध्यान रखना। जम्मू कश्मीर के मैंने बता दिया, जम्मू कश्मीर के जो गवर्नर है मनोज सिन्हा है, अब पहले गवर्नर कौन थे, GC मुर्मू, अभी GC मुर्मू के पास कौन सा कार्यभार है, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल, ये अभी कौन है, GC मुर्मू है, लेकिन ये जम्मू कश्मीर के पहले उपराज्यपाल थे। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में WHO ने मॉडर्ना कोरोना वायरस वैक्सीन को आपातकालीन उपयोग प्राधिकारी प्रदान किया है, इस वैक्सीन को कितने डिग्री सेल्सियस तापमान पर संग्रहित किया जा सकता है दोस्तों, ये जो है वैक्सीन, इस वैक्सीन को 2 से 8 डिग्री सेल्सियस तापमान पर संग्रहित किया जा सकता है, 2 से लेके 8 डिग्री सेल्सियस तक इस वैक्सीन को
संग्रहित किया किया जा सकता है। और ये जो मॉडर्ना कोरोना वैक्सीन है दोस्तों, ये है यूएसए की। ये वैक्सीन किसकी है? यूएसए की वैक्सीन है। और इसको WHO ने इसको लगाने के लिए मान्यता दे दी है। WHO का हेडक्वार्टर दोस्तों WHO का हेडक्वार्टर है जिनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर। इसकी स्थापना हुई थी 7 अप्रैल 1948 को WHO की स्थापना हुई थी। इसके अध्यक्ष है डॉक्टर टेड्रोस। इसके अध्यक्ष दोस्तों डॉक्टर टेड्रोस इसके अध्यक्ष हैं। WHO का CEO अगर आपसे पूछते हैं दोस्तों, WHO का CEO है दोस्तों अनिल सोनी। WHO का CEO कौन दोस्तों? अनिल सोनी WHO का CEO है। और WHO का 2 साल कार्यकारी अध्यक्ष कौन रहेंगे हमारे इंडिया के? डॉक्टर डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह जो हमारे स्वास्थ्य मंत्री हैं, वो रहेंगे WHO के कार्यकारी 2 साल के लिए कार्यकारी अध्यक्ष। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5। प्रतिवर्ष विश्व अस्थमा दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? प्रतिवर्ष विश्व अस्थमा दिवस जो है मई माह के प्रथम मंगलवार को मनाया जाता है। मई माह के प्रथम मंगलवार को विश्व अस्थमा दिवस मनाया जाता है। और इस साल विश्व अस्थमा की जो थीम है दोस्तों, अस्थमा संबंधी भ्रांतियाँ की जागरूकता, यह इस साल की विश्व अस्थमा की थीम है। दोबारा सुनो, अस्थमा संबंधी भ्रांतियाँ की जागरूकता। मई के प्रथम मंगलवार को इसको मनाया जाता है। अस्थमा जो बीमारी है दोस्तों, फेफड़ों की बीमारी है, श्वास लेने में दिक्कत आती है और इस वो धूल और मौसम से एलर्जी होती है। विश्व टीकाकरण सप्ताह कब मनाया गया था? विश्व टीकाकरण सप्ताह मैंने अभी जो अप्रैल में हुआ था हमारा करंट अफेयर, उसमें बताया था विश्व टीकाकरण सप्ताह कब मनाया जाता है। अप्रैल के अंतिम सप्ताह में विश्व टीकाकरण दिवस मनाया जाता है। तो इस साल हमने कब मनाया था? 24 से 30 अप्रैल को हमने विश्व टीकाकरण दिवस मनाया था। अब विश्व श्रमिक दिवस कब मनाया जाता है? 1 मई को विश्व श्रमिक दिवस मनाया जाता है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? अभी बताया था मैंने, 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। और इसी में भारत का कौन सा नंबर दोस्तों? भारत का 100 मतलब प्रेस की फ्रीडम की फ्रीडमता के लिए भारत का 142वां नंबर है। टॉप पे कौन सा दोस्तों? टॉप पे है नॉर्वे। टॉप पे कौन सा देश है? नॉर्वे। प्रेस फ्रीडम के लिए प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत का कौन सा नंबर है? 142 नंबर है और नॉर्वे टॉप पर है। क्वेश्चन नंबर 6। हाल ही में किसे राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का कार्यवाहक अध्यक्ष नियुक्त किया है दोस्तों? ये नियुक्त किया है प्रफुल्ल चंद्र पंत को। प्रफुल्ल चंद्र पंत ये सुप्रीम जो भी राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का अध्यक्ष बनेगा वो कौन होगा? सुप्रीम कोर्ट का एक तो पूर्व मुख्य न्यायाधीश होगा या फिर न्यायाधीश होगा, पूर्व न्यायाधीश जो रिटायर्ड न्यायाधीश होते हैं या पूर्व चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, इनको ही राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया जाता है। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की स्थापना दोस्तों हुई थी 24 अक्टूबर 1943 को। 24 अक्टूबर 1943 ने दोस्तों 1993 को हुई थी 24 अक्टूबर 1993 को हुई थी। और मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? मानव अधिकार दिवस दोस्तों मनाया जाता है 10 दिसंबर को। मानव अधिकार दिवस मनाया जाता है और इसी 10 दिसंबर को ही नोबेल पुरस्कार का वितरण होता है, नोबेल पुरस्कार का। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की स्थापना 1993 एक्ट के अधिनियम से की गई है। 1993 एक्ट के अधिनियम से की गई है मानव अधिकार आयोग की स्थापना। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग एक संवैधानिक आयोग है या नहीं, ये पेपर में क्वेश्चन आता है। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग एक संवैधानिक आयोग है या नहीं है? तो दोस्तों राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग एक
संवैधानिक आयोग नहीं है, ये एक वैधानिक आयोग है। 1993 अधिनियम के तहत इसकी स्थापना की गई है, ये संवैधानिक आयोग नहीं है। क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में किसे अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के बिलीव इन स्पोर्ट्स अभियान का अम्बेसिडर नियुक्त किया गया है? दोस्तों ये किया गया है माइकल ली और पी वी सिंधु और माइकल ली, इन्हें अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के बिलीव इन स्पोर्ट्स अभियान का अम्बेसिडर नियुक्त किया गया है। पीवी सिंधु के बारे में आपको पता होगा, ये बैडमिंटन की प्लेयर है। और माइकल ली जो है दोस्तों, ये है बास्केटबॉल के प्लेयर है। यह कनाडा के, ये कहाँ के हैं, यह कनाडा के हैं। और पीवी सिंधु आपको पता ही होगा, पीवी सिंधु है भारत की। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष कौन है? अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष दोस्तों थॉमस बॉक, इसके दोस्तों थॉमस बॉक्स जो है ये अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष के हैं। और अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के थॉमस बॉस अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष जो है थॉमस बॉस, इन्होंने सियोल शांति पुरस्कार लेने से मना किया था। सियोल शांति पुरस्कार लेने से इन्होंने मना किया था। और 33वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक का आयोजन कहाँ पे होगा? 33वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक का आयोजन दोस्तों कहाँ पे होगा? जो 2024 का जो होगा दोस्तों, ये होगा पेरिस के अंदर। 2024 का होगा दोस्तों, ये होगा पेरिस के अंदर। और 2028 का होगा दोस्तों लॉस एंजिल्स के अंदर होगा। और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि 2028 में जो ओलंपिक ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेला जाएगा, उसमें क्रिकेट को भी शामिल कर दिया गया है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8। हाल ही में कोविड-19 के कारण भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने आईपीएल 2021 को अनिश्चित काल के लिए निलंबित कर दिया है, यह आईपीएल का कौन सा संस्करण है? तो दोस्तों यह आईपीएल का 14वां संस्करण था। तो 13वां संस्करण कहाँ पे खेला गया था? तेरहवां संस्करण कहाँ पे खेला गया था? ये यूएई के अंदर खेला गया था। अभी जो 14वां संस्करण है दोस्तों, ये अभी निलंबित कर दिया गया है। जब फर्स्ट आईपीएल दोस्तों 2008 में खेला गया था, इससे रिलेटेड कौन कौन से क्वेश्चन हो सकते हैं इसके बारे में बताओ आपको। जो आपका फर्स्ट आईपीएल दोस्तों 2008 में हुआ था, इसमें कौन जीता था? राजस्थान जीता था। और 5 बार जो है मुंबई इंडियंस अभी तक जीती हुई है, 5 बार मुंबई इंडियंस जीती हुई है। सबसे ज़्यादा रन बनाने वाला प्लेयर अगर है तो वो है विराट कोहली। सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाला दोस्तों वो है लसित मलिंगा। कौन है? लसित मलिंगा जो है सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाला प्लेयर है, यह श्रीलंका का प्लेयर है। तो आईपीएल का 13वां संस्करण यूए के अंदर होता। विजय हजारे ट्रॉफी किसने जीती? क्वेश्चन सबके लिए, विजय, इस तरह ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं दोस्तों। विजय हजारे ट्रॉफी का संबंध किससे है? ये दोस्तों क्रिकेट से, किस संबंध है? क्रिकेट से। और ये किसने जीती थी? ये मुंबई ने जीती थी। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9। बीते दिनों चर्चा में रहा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तियानई अंतरिक्ष स्टेशन किस देश से संबंधित है? दोस्तों ये जो तियानई अंतरिक्ष स्टेशन है, ये है चाइना से संबंधित है, चीन से संबंधित है। चीन के कैपिटल है बीजिंग और यहाँ की करेंसी है युआन और यहाँ के प्रेसिडेंट हैं शी जिनपिंग।
अभी चलते हैं तियानई अंतरिक्ष स्टेशन। दोस्तों ये तियानई अंतरिक्ष स्टेशन ये चीन से संबंधित है। 29 अप्रैल को लॉन्ग मार्च रॉकेट को चाइना ने उड़ाया था। और ये तिया नहीं जो अंतरिक्ष में स्पेस स्टेशन बनाया जा रहा है चाइना, उसी का एक तरह का सामान लेके जा रहा था। और ये जो अभी लॉन्ग मार्च रॉकेट है चाइना से आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका है, अभी चाइना के कंट्रोल के अंदर ये नहीं है दोस्तों। और इसके अंतरिक्ष में दोस्तों टुकड़े टुकड़े हो चुके हैं, और ये अभी धरती के तरफ आ रहा है। ये लॉन्ग मार्च रॉकेट जो है दोस्तों धरती के तरफ आ रहा है, इसके टुकड़े टुकड़े हो चुके हैं। तकरीबन इसकी जो लंबाई है 100 फीट लंबा ये रॉकेट है, और ये धरती की तरफ 4 मील प्रति सेकंड की रफ्तार से ये धरती की तरफ आ रहा है। तो इसके जो टुकड़े दोस्तों ये कहीं पर भी गिर सकते हैं। तो इसके लिए मेन मेन जगह जो दे रखी है वो आपको बताऊँ मैं, जैसे न्यूयॉर्क, मैड्रिड, लागोस, दिल्ली, बीजिंग, सिडनी, 41 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड और साउथ, 41 डिग्री साउथ लैटिट्यूड, इनका बीच का जो एरिया है, इस जगह पर ये जो लॉन्ग मार्च रॉकेट है इसके टुकड़े गिर सकते हैं। तो इस टुकड़े कोई छोटे टुकड़े नहीं दोस्तों, बहुत ही बड़े बड़े टुकड़े, और ये टुकड़े किसी शहर पे अगर गिर जाएंगे तो पूरे शहर को ही ये खत्म कर सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन की स्थापना किसने की थी? दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन की स्थापना की थी सबसे पहले जो की थी यूएसए और रशिया दोनों ने मिलकर की थी। यूएसए और रशिया दोनों ने मिलकर की थी 1998 में। ऐसा ही कमरा एक चाइना वहां पर अंतरिक्ष के अंदर बनाने चाहता है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10। 3 मई 2021 को एम्स के डायरेक्टर ने बताया कि सीटी स्कैन करवाने से कैंसर का खतरा बढ़ जाता है। सीटी स्कैन की खोज किसने की थी? दोस्तों सीटी स्कैन की खोज की थी गॉडफ्रेड हॉर्सफील्ड। ये ब्रिटिश के थे, ब्रिटिशियन थे, और साउथ अफ्रीका के थे दोस्तों। एलेन कोमार्क जो है साउथ अफ्रीका के थे। इन दोनों ने सीटी स्कैन की खोज की थी। सीटी स्कैन का फुल फॉर्म होता है दोस्तों कॉम्प्यूटेड टोमोग्राफी। सीटी स्कैन का फुल फॉर्म होता है कॉम्प्यूटेड टोमोग्राफी। टोमोग्राफी दोस्तों इसी के लिए इन दोनों को 1993 में नोबेल पुरस्कार भी दिया गया है। 1993 में नहीं दोस्तों, 1979 में इन दोनों को भी नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। आगे चलते हैं। ये जो सीटी स्कैन दोस्तों, सीटी स्कैन करने से एक्सरे से 300 से 400 ज़्यादा रेडिएशंस हमारे शरीर के अंदर जाते हैं। और एम्स के जो डायरेक्टर हैं उनका नाम है दोस्तों डॉक्टर रणदीप गुलेरिया। डॉक्टर रणदीप गुलेरिया, इनका कहना है कि कोरोना की शुरुआत में सीटी स्कैन करवाने का कोई फायदा नहीं है। एक सीटी स्कैन 300 से 400 एक्सरे के बराबर रेडिएशन होता है। एक सीटी
स्कैन में, इससे कैंसर का खतरा बढ़ जाता है। चेस्ट एक्सरे के बाद ही डॉक्टर की सलाह पर सीटी स्कैन करवाना चाहिए। अगर किसी को सांस लेने में दिक्कत हो रही है तो बहुत सारे मरीज जो हैं जाते जाके सीटी स्कैन अपने मर्जी से कर लेते हैं, जिससे कैंसर होने का खतरा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो उनका यही कहना है कि बिना डॉक्टर की सलाह के आप सीटी स्कैन मत करवाना, चेस्ट एक्सरे भी डॉक्टर की सलाह से करवाना। चेस्ट एक्सरे से 200-300 से 400 एक्सरे के बराबर रेडिएशन हमारे शरीर में जाता है, इससे हमारी कोशिका जो है दोस्तों, उनको कोशिकाएं हमारी इससे मरती है, इस रेडिएशन से हमारी कोशिकाएं क्या होती है, मरती है दोस्तों। तो सीटी स्कैन से बचना ही चाहिए। एम्स के डॉक्टर रणदीप गुलेरिया का ये भी कहना है, आप जब भी सुबह उठते हो, जैसे हम एकेडमी के अंदर दोस्तों एक्सरसाइज करते हैं, नाक से सांस लेते हैं, कुछ समय के अंदर सांस अपने फेफड़ों के अंदर रोकते हैं और फिर छोड़ते हैं, यह एक्सरसाइज जो है बहुत ही फायदेमंद है। हम इस एक्सरसाइज को पहले से ही करते थे, अभी भी जो एकेडमी के स्टूडेंट हैं और जो भी ये वीडियो सुन रहे हो, पक्का ये एक्सरसाइज करना। ऐसा हम तो एकेडमी के अंदर पहले से ये एक्सरसाइज कर रहे हैं और करते हैं, लेकिन डॉक्टर रणदीप गुलेरिया जो एम्स के डायरेक्टर हैं, उनका भी कहना है यह एक्सरसाइज कोरोना काल में बहुत ही फायदेमंद साबित हो रही है। दोस्तों, डेली करंट अफेयर पढ़ने के लिए इस चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। जय हिंद, जय भारत।